हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल चक्रवर्ती, वेलकम बाय माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आज जो सोनालिका DI 734 ट्रैक्टर है फ्रेंड्स, हम इस ट्रैक्टर के सारे का सारे रिव्यू देंगे और इसमें क्या क्या ऐसे फीचर्स के साथ ये ट्रैक्टर आता है, कंपनी ने लॉन्च किया था फ्रेंड्स, सारे के सारे फीचर्स बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैक्टर को हम फ्रेंड्स से देखें तो नीला और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है, फ्रंट में ही सोनालिका की बैजिंग मिल जाएगी और इसमें हम बात करें तो कीलॉक सिस्टम के साथ सिंगल पीस बोनट दिया गया है और ऑयल बार टाइप एयर क्लीनर इसमें हमको मिल जाएगा। यहीं हम देखें तो ब्लैक कलर की जाली का इस्तेमाल किया गया है, इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा हवा पास हो सके। यहीं हम देखें तो साइड में हमको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगी। किक स्टार्ट देखें तो हैवी ड्यूटी जो है कंपनी हमको बम्पर प्रोवाइड कराती है, तो हैवी ड्यूटी हंदी इसमें दी गई है और इसमें टोचन का ऑप्शन भी जो है कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है। इसमें टूचन का ऑप्शन देख सकते हैं दिया गया है। यहीं हम इसके और नीचे की बात करें तो नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया गया है, हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल जो है कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है इस सेगमेंट में। हम इसके टायर साइज की बात करें तो 6016 के हमको फ्रंट टायर मिल जाएंगे JK के, जो कि कंपनी के साइड से प्रोवाइड कराए जाते हैं हैवी ड्यूटी टायर। और इसके हम राइट साइड व्यू की बात करें तो हमको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसमें दिया गया है, जो कि कम मेंटेनेंस होने का दावा जो है करता है। अगर इसकी लेफ्ट साइड फीचर्स की हम बात करें तो देख सकते हैं जो सारा का सारा दिया गया है, यहीं पर हमको ऊंचा सा साइलेंसर मिल जाएगा, हीच गार्ड दिया गया है साइलेंसर में। यहीं हम देखें तो 12 वोल्ट का अल्टरनेटर बार दिया गया है, जो कि बैटरी को अच्छे इस तरीके से चार्ज करने का काम करता है। बड़ा सा रेगुलेटर इसमें मिल जाएगा, जो कि इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा फूल करने का काम जो है करता है। डुअल पंप दिए गए हैं, एक हाइड्रोलिक के लिए एक पावर स्टीयरिंग के लिए। हाइड्रोलिक आपको ऑयल फिल्टर मिल जाएगा, यहीं पर जो है इंजन ऑयल फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। हम बात करें तो 1.5 किलोवाट की इंजन स्टार्टर मोटर आपको मिल जाएगी। जो है बैटरी बॉक्स दी गए हैं, हैवी ड्यूटी जो है बॉक्स कंपनी के साथ से बनाया गया है। ऑयल ब्रेक के ऑप्शन में जो है ट्रैक्टर हमको प्रोवाइड कराती है कंपनी, यहीं पर रेसिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। ऑयल ब्रेक का जो है बैजिंग के साथ दिया गया है, साइड जो है इंडिकेटर बहुत ही मजबूत टायर दिए गए हैं। यही हम टायर साइज की बात करें तो 13x28 के जो है इस सेगमेंट में कंपनी हमको टायर है जो परचेज कराती है। इसकी जो ऊंचाई देख सकते हैं ट्रैक्टर की, फ्रेश ट्रैक्टर की ऊंचाई बहुत मायने रखती है ट्रैक्टर के हिसाब से। ऑयल निकालने का गेज दिया गया है और इसके हम राइट साइड व्यू की बात करें तो ट्रैक्टर का मैं ऑल बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ, सारा का सारा देख सकते हैं। इसके हम राइट साइड व्यू की बात करें तो जो है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। तो 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, इसमें 2880 cc का इंजन जो है कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है बॉश कंपनी का। इसमें पंप दिया गया है जो कि कम मेंटेनेंस होने का दावा करता है। 34 HP सेगमेंट ट्रैक्टर में और ज़रूरत पड़ने पर 13% का बैकअप टॉर्क भी लगा देता है इंजन ज़रूरत पड़ने पर। वाटर सेपरेटर मिल जाएगा, यहीं पर एक सिंगल जो है डीजल फिल्टर दिया गया है और ट्रैक्टर की जो बनावट है देख सकते हैं, यहीं पर जो है ऑयल गेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बड़ा सा रेगुलेटर दिया गया है, ट्रैक्टर को कूल करने का काम करता है। हैवी ड्यूटी हंडी दी गई है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्टर की ऊंचाई देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दी गई है। यहाँ से किसी प्रकार का जो है इम्प्लीमेंट जो है आप बड़ी सपोर्ट या कुछ भी अटैचमेंट कर सकते हैं। इसकी हम बात करें तो 55 लीटर का डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सारे के सारे फीचर्स जो है कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है और पावर प्लस की बैजिंग के साथ दिया गया है, क्योंकि पावर प्लस जो है तो जो है सिंगल क्लिच में कंपनी है जो ट्रैक्टर को ऑफर करती है। यहीं पर एक छोटा फुटस्टॉप दिया गया है ट्रैक्टर पे ऊपर चढ़ने में। ट्रैक्टर का सारा प्रोसेस देख सकते हैं। अगर हम ट्रैक्टर के जो है पिछले हिस्से की बात करें फ्रेंड्स, देख सकते हैं ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा बहुत ही हैवी ड्यूटी दिए गए हैं। अगर हम इसके बात करें तो जो है फेंडर में हैवी ड्यूटी सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। 34 HP सेगमेंट में आपको 1200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। यहीं पर हैवी ड्यूटी जो है हिच दिया गया है, जैसे शुगर कैन जैसी खिंचाई इस ट्रैक्टर से आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं पर हम बात करें तो हैवी ड्यूटी फेंडर दिए गए हैं और फेंडर की जो सपोर्ट दी गई है 3 सेंसिंग दी गई हैं। यहीं पर जो टिपिंग ट्रॉली के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, टिपिंग ट्रॉली इस ट्रैक्टर से आप कर सकते हैं, उसका कंट्रोलर पहुँच में ही दिया गया है। और बुलगेर रिडक्शन तकनीक इस्तेमाल किया गया है, इससे हैवी ड्यूटी खिंचाई भी इस ट्रैक्टर से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर छोटे मोटे फीचर्स की हम बात करें तो बॉटल होल्डर मिल जाएगा और लाइट रिफ्लेक्टर का ऑप्शन दिया गया है। यहीं पर
एलईडी कनेक्टिविटी के जैसे कनेक्शन यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर हम ट्रैक्टर की पीटो एचपी की बात करें तो 34 एचपी का ट्रैक्टर है और इसमें 21.5 एचपी की पीटो पावर जो है कंपनियों को प्रोवाइड कराती है इस सेगमेंट में। अगर पीछे देखें तो लाइट का ऑप्शन दिया गया है अंधेरे में काम करने के लिए, और साइड इंडिकेटर दिए गए हैं, ब्रेक लाइट का ऑप्शन भी इस ट्रैक्टर में दिया गया है। हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर बनाया गया है सोनालिका की साइड से। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के ट्रैक्टर हमको ऊपर क्या कैसे फीचर्स प्रोवाइड कराता है। ट्रैक्टर का मैं ऑल बैकग्राउंड आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के कंपनी हमको क्या कैसे फीचर्स जो है प्रोवाइड कराती है इस सेगमेंट में। चढ़ने के लिए एक फुट स्टॉप मिल जाएगा, थोड़ा बम्प दिया गया है बट छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होता है ये ट्रैक्टर। ये हम बात करते हैं सिंगल क्लिच के ऑप्शन में जो है कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है इस ट्रैक्टर को। यहीं पर बड़ा सा टूल बॉक्स दिया गया है और लाइव पीटीओ के साथ दिया गया है 540 चक्कर की पीटीओ ऑप्शन में ये ट्रैक्टर कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है। डीलक्स टाइप सीट मिल जाएगी इसमें, आप अपने वजन के अनुसार और काम के हिसाब से एडजस्टमेंट इसको आप कर सकते हैं। हम ट्रैक्टर के कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील दिला रहा है एक 34 एचपी सेगमेंट ट्रैक्टर। इसके हम राइट साइड की व्यू की बात करें तो टूल बॉक्स दिया गया है प्लास्टिक का, देख सकते हैं। लाइव पीटीओ का ऑप्शन दिया गया है, ऑयल ब्रेक के ड्राम इधर दिए गए हैं। इसके राइट साइड फीचर्स की हम बात करें तो ड्राप एंड पोजीशन आप अपने काम के अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टिपिंग ट्रॉली का ऑप्शन दिया गया है आपकी पहुंच में जो है, देख सकते हैं। और इसकी हम बात करें तो पैर रेसिंग दी गई है, ऑयल ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक्टर में। और यहीं पर हम बात करें तो सेंटर शिफ्ट गेयर बॉक्स इसमें दिया गया है, 2 रिवर्स और 8 फॉरवर्ड कुआं स्मैश टाइप का गेयर बॉक्स कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है इस सेगमेंट में। यहीं पर हम बात करें तो छोटा स्टीयरिंग मिल जाएगा सोनालिका की तरफ से, क्योंकि सोनालिका की बेजिंग दी गया है और इसमें पावर स्टीयरिंग जल्दी घुमाने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे कुछ काम आते हैं जहां फुर्ती से घुमाने के जो है। इसका हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, सकते इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिया गया है जो है 1600 RPM पर आपको 540 चक्कर मिल जाएंगे, जिससे आप इसमें 4 फुट का रोटर बैटर भी इस ट्रैक्टर से आप चला सकते हैं। यहाँ आपको डीजल टैंक को मिल जाएगा, टेम्परेचर दिया गया है और बैटरी का भी ऑप्शन दिया गया है, हाथ रेसिंग का ऑप्शन दिया गया है, हॉर्न मिल जाएगी, अपार्ट डिफर के ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे। यहीं पर 55 लीटर का डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, कीलॉक सिस्टम के साथ दिया गया है, देख सकते हैं। ट्रैक्टर की लंबाई और लेंथ बहुत ही ज़्यादा दी गई है शानदार तरीके से। तो फ्रेंड्स ट्रैक्टर के मैंने सारे के सारे फीचर्स बताए, देख सकते हैं। ट्रैक्टर में जो है लिफ्ट लॉक का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, सीट एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स जो है ट्रैक्टर के मैंने सारे के सारे फीचर्स बताए, अगर आपको ट्रैक्टर पसंद आया हो एजेंसी में आके आप विजिट भी कर सकते हैं और ट्रैक्टर आप चलाकर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान।